हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे, तो जिससे हम वोल्टेज घटा बढ़ा सकते हैं, तो वो बनाएंगे। तो उसके लिए मेरा सिंपल सा एक सर्किट होगा। तो इसके लिए जो जो चीज लगेगा, एक पोटेंशियोमीटर जो कि 47K का है, और उसके साथ BD139, और उसके साथ एक 470 ओम्स का एक रेजिस्टेंस। तो यही कुछ हमारा कंपोनेंट चाहिए। तो चलिए, तो इससे हम जितना चाहे उतना वोल्टेज घटा सकते हैं, और बड़ा मतलब जितना इनपुट होगा उतना ही हमारा हाईएस्ट आउटपुट आएगा, तो उससे हम घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। तो चलिए सर्किट को तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे BD139 ले लिया। तो इसका जो 3 नंबर पिन है उसको हम इस बीच वाले पिन पर लगाएंगे। तो इस बीच वाले पिन पर लगा दिया, और जो हमारा पोटेंशियोमीटर का लेफ्ट की तरफ है इस तरफ करके, तो उसको हम ट्रांजिस्टर का 1 नंबर के साथ लगा लिया। तो ये काफी सिंपल सर्किट है। तो बस ऐसे हमारा कुछ दिखेगा, और उसके बाद जो हमारा 470 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है उसको हम, जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसका 1 नंबर पिन के साथ लगा दूंगा। तो लगा दिया। तो ये रहा हमारा कंप्लीट सर्किट। तो अभी हमको कौन सा पिन पर वायर जोड़ना है वो देखना है। तो चलिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रेड और ब्लैक को हम इनपुट के लिए यूज करेंगे, और व्हाइट और ग्रीन को आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे इनपुट के लिए हम, तो ये जो हमारा रेड वाला है वो हम रेजिस्टेंस के साथ लगाएंगे, और जो ब्लैक वाला है हम इसको इस वाले पिन के साथ लगाएंगे, जो कि हमारा पोटेंशियोमीटर का 3 नंबर पिन है उसके साथ लगाएंगे। और आउटपुट के लिए हमारा, तो रेड वाला हमारा पॉजिटिव होगा और ब्लैक वाला नेगेटिव, और जो हमारा ग्रीन वाला है वो हम नेगेटिव करेंगे, तो हम ट्रांजिस्टर का बीच वाले पिन पर लगा देंगे, और जो हमारा व्हाइट वाला है वो हम पॉजिटिव करेंगे, तो हम इस पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे। तो ऐसे करके हमारा, तो ये रहा हमारा इनपुट। तो ये हमारा इनपुट, तो इसको हम 40 वोल्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। हमारा मेन जो हाईएस्ट पीक वैल्यू होगा वो 40 वोल्ट के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका आउटपुट हम 0 से लेकर 40 वोल्ट तक पा सकते हैं। तो हम अगर 5 वोल्ट पर इसको भी चला सकते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं। तो 40 वोल्ट हमारा हाईएस्ट वोल्टेज सह सकता है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो मैंने आउटपुट के लिए इस LED का यूज करूंगा, और इनपुट पे हम 12 वोल्ट यूज करेंगे। तो इसको, इसका पॉजिटिव के और नेगेटिव के हिसाब से इसको लगा देना है। तो इसका पॉजिटिव है, तो ये वाला हमारा नेगेटिव, तो ग्रीन वाला हमारा नेगेटिव, तो इसके साथ लगा देंगे, और व्हाइट वाला हमारा पॉजिटिव, इसके साथ लगा देंगे, और इनपुट हमारा ये वाला रहेगा, तो हम इसको 12 वोल्ट के साथ जोड़ देंगे। तो आप चाहे यहाँ पे जितना भी वोल्टेज चाहे उतना यूज कर सकते हो। तो 40 वोल्ट के अंदर आपको ये रखना है, उससे ज्यादा ये नहीं सह सकता, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर मैंने यूज किया हूँ तो ये इसका हाईएस्ट वैल्यू है 40 वोल्ट, और इसका वाट आप 12 वाट तक आउटपुट ले सकते हो। तो और इसका आउटपुट पावर है 12 वाट, आप 12 वाट के अंदर इसको यूज कर सकते हो। तो अगर आपका 12 वाट आउटपुट चाहिए तो इसके साथ एक हीट सिंक अटैच कर देना। तो ये काफी सिंपल है, और इसका आउटपुट लगभग 10 वाट है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मैंने इसको पावर ऑन कर दिया है, अभी इसको बढ़ा के देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये जल चुका है थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से हम इसका ग्लो सेट कर सकते हैं।
कितना गर्म हो रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा गर्म नहीं है, तो ये काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है और इसका सर्किट भी काफी सिंपल है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आई है। तो ये काफी अच्छी तरीके से ये काम कर रहे है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहे इसको घर पर बना सकते हो तो, और आपका हिसाब से आप इसका ग्लो सेट कर सकते हो। तो बस यही था, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।